हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट टचअप के बारे में बताऊंगी। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जैसे आपको कहीं अचानक जाना है, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो आप उसे झटपट लगाकर अपने बालों को काला बना सकते हैं और 15 से 20 मिनट में ही आपके बालों में बहुत अच्छा कलर देगा वो। और उसमें आज मैं कंडीशनर का यूज़ करूँगी, तो ये एक तरीके से कंडीशनिंग रूट टचअप है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका बालों में, और इसके लिए मैं बहुत ही नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करूँगी। और जो कंडीशनर मैं आज आपको बता रही हूँ, वो कंडीशनर तो बहुत ही अच्छा है उसका रिजल्ट बालों में। अगर आप उसे यूज़ करेंगे तो आपके बाल अगर बहुत ज़्यादा फीजी हैं तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे, बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा। और जिस तरीके से आज मैं उस कंडीशनर को डाई में यूज़ कर रही हूँ, अगर आप उसे यूज़ करेंगे ना, तो आपके बाल 100% ब्लैक हो जाएंगे, जो जड़ों से बाल सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा, बहुत बार ऐसा होता है जिन लोगों के बाल हार्ड होते हैं तो उनके बालों में डाई का कलर नहीं आता, वो अगर इस कंडीशनिंग हेयर डाई को यूज़ करेंगे तो उनके बालों में कलर बहुत अच्छा आएगा और बाल सॉफ्ट भी हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे, घने लगेंगे आपको, जैसे सिर को वॉश कर लेंगे आप। अगर आप चाहें तो इस टाइप को जो आज मैं आपको बता रही हूँ रूट टचअप को, आप इसे पूरे बालों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप रूट्स में भी टचअप की तरह से लगा सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। तो आज मैं आपको वो वीडियो बताऊंगी जो आपने आज पहले कभी नहीं देखी होगी, इसलिए तो आप इसे बनाइएगा, यूज़ कीजिएगा। इसका रिजल्ट कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बताइएगा यूज़ करने के बाद। और इसका लिंक जो मैं आपको आज कंडीशनर के बारे में बता रही हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे मंगा सकते हैं। और बाय चांस अगर आप उसे नहीं मंगा सकते हैं, तो आपके पास जो भी कंडीशनर है, जो भी आप यूज़ करते हैं, उस कंडीशनर को यूज़ कर आप उस डाई को बना सकते हैं। और अगर ख़रीदना चाह रहे हैं तो आपको जो मैं बता रही हूँ, जो उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी, आप वो खरीद सकते हैं। तो इसे आप बनाइएगा, यूज़ कीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा उसका आफ्टर का रिजल्ट कैसा है और इसे यूज़ कैसे करना है, इसके फ़ायदे नुकसान क्या है। तो वीडियो पूरी देखिएगा और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो बनाना। अच्छा, इस डाई को बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले इसमें मुझे चाहिए, ये मैंने 1 चम्मच आंवला पाउडर लिया है। इसे मैंने पहले से कढ़ाई में डाल के रखा हुआ है। आप इसे चाहे तो आप रात भर रख सकते हैं इसे कढ़ाई में डाल के, नहीं तो आप झटपट सुबह भी इसे जितनी जल्दी हो सके 1 चम्मच आंवला को कढ़ाई में डालकर छोड़ दीजिएगा। तो उससे क्या होगा, जब हम इसे डाई में यूज़ करेंगे तो एक तो ये बालों को अच्छा सा ब्लैक कलर देगा, तो और इससे क्या होगा, बालों में जो सॉफ्टनेस है वो बनी रहेगी। तो इसके लिए मैंने 1 चम्मच आंवला को पहले से कढ़ाई में डाल के रखा हुआ। दूसरा इसमें लूँगी मैं 1 छोटी चम्मच चाय पत्ती की लूँगी, क्योंकि चाय पत्ती क्या होता है, जो आप अगर झटपट डाई में उनको यूज़ करना चाहते हैं, जैसे आपको इंस्टेंट कहीं जाना है तो आप चाय पत्ती को ले लीजिएगा, उसका कलर बहुत ही जल्दी बालों में आता है और थोड़ा टिका रहता है बालों में कलर, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, बार बार बालों में पसीना आता है तो कलर जल्दी निकल जाता है। और इसमें मैं लूँगी 1/2 चम्मच कॉफ़ी। कॉफ़ी से क्या होता है, एक तो ये बालों को जो सॉफ्ट होता है वो बनाती है, और एक बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट वाली होती है, और दूसरा इसका कलर भी ना बालों में बहुत अच्छा आता है। जब आप कॉफ़ी, चाय पत्ती और आंवला तीनों चीज़ों को कॉम्बिनेट एक जगह मिक्स करके अच्छे से डाई बनाएंगे, तो ये तीनों झटपट डाई में बहुत अच्छी काम आती है। और इसको जो हम आज जो डाई है उसे बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ। आज मैं आपको, क्योंकि मैं आपको कंडीशनिंग हेयर डाई बता रही हूँ, तो इसके लिए मैं कंडीशनर का यूज़ करूँगी। तो ये मैंने गो नेचुरल का ओनियन कंडीशनर लिया है, गो नेचुरल का मैंने ओनियन वाला कंडीशनर लिया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आपको मंगाना है तो। ये गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें जोजोबा ऑयल है, इसमें लेवेंडर है, और इसमें मैंगो सीड यानी कि जो आम की गुठली होती है, मैं आपको बता भी देती हूँ, जो आम की गुठली देखिए ऐसी होती है इसमें, तो इसमें आम की गुठली का भी यूज़ किया गया, क्योंकि वो बहुत अच्छी होती है बालों के लिए। और इसमें सीड बटर भी है, मैंगो सीड बटर, वो बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। तो इसमें ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो कंडीशनर में होनी चाहिए। तो ये आप बिफोर भी लगा सकते हैं आप इसे, यानी कि शैम्पू से पहले भी लगा सकते हैं, शैम्पू के बाद भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको इससे बहुत अच्छी इंस्टेंट डाई बताऊंगी, जो आप झटपट लगाकर अपने बालों को कलर दे सकते हैं, जैसे आपको अचानक कहीं जाना है, तो इसलिए मैं इसमें इसका यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो मैंने आंवला लिया था रात भर कढ़ाई में भिगा के रखा हुआ है, तो सबसे पहले हम उसे अच्छा सा इन चीज़ों को मिलाकर एक अच्छा सा गाढ़ा सा थोड़ा पेस्ट बनाएंगे। और ये देखिए, इसे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, और ये काफी हद तक गर्म भी हो चुका है। और इसमें मैं डालूंगी बहुत ही थोड़ा सा पानी, बहुत ही थोड़ा सा पानी लेना है आपको, सिर्फ इतना कि इसमें चाय पत्ती और कॉफी जो हमने चीजें ली हैं वो अच्छे से पक जाए। तो इसमें बहुत थोड़ा सा पानी लूंगी, क्योंकि हमें गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है बहुत ही ज्यादा इसका। तो ये लगभग मैंने 1/2 कप से भी कम पानी लिया है, और इसे हम थोड़ा सा इसमें पका लेंगे पहले आंवला के साथ, क्योंकि आंवला क्या होता है, जब आप इसे यूज़ करते हैं रूट टचअप की तरह, तो ये ब्लैक कलर देता है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं हमारे बालों में तो रेड कलर आ रहा है, तो जब आप आंवला को ऐसे यूज़ करेंगे तो वो अच्छा सा ब्लैक कलर देता है बालों में। और अब हम इसमें डालेंगे ये जो छोटा चम्मच चाय पत्ती का है वो डाल देंगे इसमें हम, और ये जो कॉफ़ी हमने ली है वो भी इसमें साथ में डाल देंगे हम। अब इन सबको गैस कम करनी है हमें, और अच्छे से इन सबको हमें पकाना है, कॉफी भी अच्छे से इसमें पक जाए।
देखिए इस तरीके से हम इसे पका लेंगे। और इसके बाद जब ये अच्छे से पक जाएगा, 1 से 2 मिनट में ये तैयार हो जाएगी डाई जो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद मैं आपको इसे लगाकर भी दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से हम इसे अच्छा सा थोड़ा गाढ़ा सा बना लेंगे, जिससे कि जो बाजार वाली, जैसे आप देखेंगे बाजार वाली डाई होती है ना, हम उसे लगाते हैं बालों में तो उसका थोड़ा सॉफ्टनेस होती है उसमें, थोड़ा क्रीमी सी होती है वो, तो इस टाइप का इसका पेस्ट बन जाएगा। और देखिए ये अच्छे से पक चुका है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे ऐसे ही हम थोड़ा घुमाते रहेंगे जिससे कि हल्का सा ठंडा हो जाए। और ये बहुत ही ब्लैक बनी है, ये झटपट बालों को कलर देने के लिए बहुत ही अच्छे और बहुत ही यूजफुल है। और देखिए अच्छे से इसे हमने ठंडा कर लिया है और मैं आपको अभी इसे छानकर इसकी डाई बताऊंगी कैसे बनानी है। अच्छा अब हम इसे छान लेंगे क्योंकि हमारा जो जेल था वो बनके ठंडा हो चुका है, जो सीरम है। और अब मैं इसे छान लूंगी, इस तरीके से हम इसे छान लेंगे। और ये देखिए छान के मैंने इसे तैयार कर लिया है। और मैं आपको ये देखिए कितना अच्छा सीरम बना है। और अब हम इसमें मेन जो हमारी चीज़ है वो इसमें डालेंगे, हम इसमें कंडीशनर डालेंगे। कंडीशनर से क्या होगा, एक तो जैसे बालों में बहुत डाई लगाने के बाद बहुत अकड़न हो जाती है वो नहीं होगी, बाल सॉफ्ट बने रहेंगे, तो इसलिए हम इसमें कंडीशनर डालेंगे। और मैंने जड़ों के लिए बनाया है तो इसमें मैं लगभग 1 चम्मच के करीब कंडीशनर डालूंगी। ये देखिए इस तरीके से मैं 1 चम्मच इसमें कंडीशनर डालूंगी और इसे बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। उसके बाद मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी बालों में लगाकर कैसा आता है। ये देखिए ये अच्छे से इसका हम पेस्ट बना लेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ब्लैक हेयर डाई बनी है। अब इसे मैं अपने बालों में लगाऊंगी और आपको इसको लगाकर बताऊंगी कि इसका रिजल्ट कैसा आता है बालों में। अच्छा इस कंडीशनिंग डाई को मैंने बालों में लगा लिया है और इसे लगभग आप 15 से 20 मिनट बालों में लगा के रखिए। आपको झटपट कहीं जाना है तो ये कॉफ़ी, चाय पत्ती और आंवला जो हमने लिया था कंडीशनर के साथ, वो आपके बालों को बहुत अच्छा कलर देगा। और मैंने इसे बालों में लगा लिया है तो आप भी इसे बनाइएगा, यूज़ कीजिएगा, इसका रिजल्ट बालों में बहुत अच्छा। और एक बात और, आपको इसके बाद बहुत ही हल्का सा माइल्ड शैम्पू करना है, उसके बाद आपको बिल्कुल भी हार्ड शैम्पू केमिकल वाला ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। उसके लिए भी मैं आपको एक बहुत अच्छा सोल्यूशन बताऊँगी, जो आप डाई यूज़ करते हैं डाई के बाद आपको कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए, कौन सा कंडीशनर यूज़ करना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो आज कंडीशनर के बारे में मैंने आपको बताया था, जिन लोगों को कंडीशनर की ज़रूरत पड़ती है, उनके बाल ड्राई हैं या नॉर्मल है बालों में, तो जो कंडीशनर लगाते हैं वो वाला कंडीशनर लगाए जो आज मैंने डाई में यूज़ किया, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आप उसे बिफोर भी लगा सकते हैं शैम्पू से पहले, यानी कि शैम्पू के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसका रिजल्ट बालों में बहुत अच्छा रहता है। और डाई के बाद आपको कौन सा शैम्पू यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि जितना माइल्ड शैम्पू आप यूज़ करेंगे डाई के बाद, उससे आपके डाई का कलर जो है बराबर बरकरार रहेगा, जल्दी से नहीं निकलेगा। इसलिए तो इस डाई को मैंने आज लगा लिया है बालों में, मैंने आपको बनाकर लगाकर दिखाई है, तो आप भी इसे बनाइएगा, यूज़ कीजिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका डाई का। झटपट आप, जैसे आपको कहीं जाना है तो आप तुरंत बनाकर इसे बालों में लगा सकते हैं, इसलिए तो आप इसे बनाइएगा, यूज़ कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी वो मुझे ज़रूर बताएं, और पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।